नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नमो टैबलेट योजना, इलेक्शन का दौर चालू है और सरकारें नई नई योजनाएं लाने में लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अपनी तरफ खींचने के लिए सरकार नई नई योजना ला रही है, फ्री में टैबलेट स्मार्टफोन देने वाली है। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख ले, आप कैसे पा सकते हैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर ले। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप प्रधानमंत्री नमो टैबलेट योजना में लाभ ले सकते हैं। हमारे भारत देश में डिजिटल करियर को लेकर काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत को डिजिटल बनाने में भारत के छात्र छात्रों को डिजिटल बनाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आने वाली पीढ़ी अगर डिजिटल साधनों का प्रयोग कर अपने आप को डिजिटलकरण के युग में पूरी तरह से डाल लेगी तो आने वाला समय भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। भारत को डिजिटल बनाने और शिक्षा जगत में एक क्रांति लाने के लिए हमारे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा नमो टैबलेट योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राज्य के छात्र काफ़ी कम कीमत को अदा कर ब्रांडेड टैबलेट खरीद पाएंगे। इस टैबलेट का प्रयोग कर अपना कदम डिजिटल युग की ओर और अपनी शिक्षा को डिजिटल रूप से आगे ले जाने में बढ़ा पाएंगे। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी इस विषय पर देने वाले हैं। नमो ई टैबलेट योजना के अंतर्गत कॉलेज के छात्र एवं छात्राओं को ब्रांडेड और उच्च कोटि के टैबलेट बहुत ही कम कीमत में लगभग 1000 रुपये की कीमत के साथ दी जाए, क्योंकि सरकार चाहती है कि इन छात्रों को सभी गुणवत्ता से लैस अच्छे उत्पादक प्रदान किए जाए ताकि ये इस टैबलेट का प्रयोग कर आधुनिक शिक्षा हासिल कर सके। सरकार चाहती तो छात्रों को टैबलेट फ्री में भी दे सकती थी, लेकिन ऐसे में छात्र और का सही मूल्य नहीं समझ पाते और उसकी सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार छात्रों को मात्र 1000 रुपये से लेकर अच्छे किस्म और सभी फीचर्स के साथ टैबलेट उपलब्ध कराएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं नमो ई टैबलेट का लाभ उठाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। तो आप निम्नलिखित पात्र एवं मानदंडों का पालन करना होगा। तो सबसे पहले आवश्यकता होगी, आपके घर की सालाना आय 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर दो, आप भारतीय नागरिक हो। नंबर तीन, आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए। नंबर चार, आवेदनकर्ता ने 12वीं कक्षा का उत्तीर्ण किया हो, साथ ही किसी भी कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश लिया हो, और साथ ही साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, 12वीं पास सर्टिफिकेट, जिस भी संस्था में ग्रेजुएशन या पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए एडमिशन लिया हो उसका सर्टिफिकेट, गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र, अन्यथा राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। तो दोस्तों, हम आपको नमो ई टैबलेट रजिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से निकाल कर डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं खुद से या इंटरनेट कैफे पे जाकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बस यही जानकारी देनी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया भी बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।